दोस्तों, बॉलीवुड में एक से ज्यादा बार शादी करना आम बात है। बॉलीवुड में ऐसी कई सारी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार शादी रचाई है। आज हम आपको उन्हीं अभिनेत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने एक से ज्यादा बार शादी रचाई है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं उन अभिनेत्रियों पर। नंबर एक पे है किरण खेर। बॉलीवुड अभिनेत्री किरण खेर ने दो बार शादी रचाई है। एक्ट्रेस ने पहली शादी बिजनेसमैन गौतम बेरी से की थी। हालांकि उनकी ये शादी ज़्यादा समय तक नहीं चली और उनका तलाक हो गया। इसके बाद किरण खेर की मुलाकात अभिनेता अनुपम खेर से हुई। दोनों पहले काफ़ी अच्छे दोस्त थे, धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी कर ली। बता दें कि किरण खेर से शादी करने से पहले अनुपम खेर शादीशुदा थे। दूसरे नंबर पर है अभिनेत्री नीलम कोठारी। बॉलीवुड की फेमस अभिनेत्री नीलम कोठारी ने भी दो शादियां रचाई है। उन्होंने पहली शादी ऋषि शेठिया से की थी। हालांकि ये शादी लंबे समय तक नहीं चली और दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद नीलम ने साल 2011 में अभिनेता समीर सोनी से शादी कर ली। नंबर तीन पे है अर्चना पूरन सिंह। अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह ने भी दो शादी की है। अर्चना की पहली शादी ज्यादा दिन तक नहीं चली जिसके चलते वो काफ़ी टूट गई थी। इसके बाद उनकी ज़िंदगी में परमित सिंह की एंट्री हुई जिससे उन्होंने शादी कर ली। नंबर चार पर है योगिता बाली। बॉलीवुड की फेमस अभिनेत्री योगिता बाली ने भी दो शादियां रचाई। उन्होंने पहली शादी अभिनेता किशोर कुमार से की थी। हालांकि ये शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चली और दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। नंबर पाँच पर बिंदिया गोस्वामी है। अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी भी इस लिस्ट में शामिल है। अभिनेत्री ने पहली शादी अभिनेता विनोद मेहरा से की थी। दोनों की शादी ज़्यादा साल तक नहीं चली। इसके बाद साल 1985 में अभिनेत्री ने दूसरी शादी फिल्म निर्देशक जेपी दत्ता के साथ की थी।